कहीं भी इलाज कराने के लिए आपके पास ई पहचान कार्ड होना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। कोई इम्प्लॉयर का चक्कर लगाना पड़ता था, इम्प्लॉयर से ही लेना पड़ता था, जिसके बाद से अब आप अपने इम्प्लॉय पोर्टल से भी ई पहचान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है कि भैया आपका जो भी ई पहचान कार्ड है ये ओपन होकर के आ रहा है। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद से डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यही पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रिंस इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन है। प्रिंस यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं और आपके पास एक ईएसआईसी नंबर है, तो जी प्रिंस यदि आपके पास ईएसआईसी नंबर है ना, तो सबसे पहले तो आप कहीं भी इलाज कराने के लिए आपके पास ई पहचान कार्ड होना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। अब ऐसे में आज से पहले जब भी आप अपना ई पहचान कार्ड लेने जाते थे तो आपको इम्प्लॉयर का चक्कर लगाना पड़ता था, इम्प्लॉयर से ही लेना पड़ता था। लेकिन फ्रेंड्स एक नया अपडेट कर दिया गया है, बहुत ही कमाल का अपडेट कर दिया गया है ईएसआईसी के ऑफिशियल पोर्टल पे, जिसके बाद से अब आप अपने इम्प्लॉय पोर्टल से भी ई पहचान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, कहां पे ऑप्शन आपको मिलेगा और किन किन लोगों को नहीं मिलेगा, सारा कुछ आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि आप भी जानना वो लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको ईएसआईसी के आईपी पोर्टल पे आ जाना है, उसके बाद से यहां पे अपना जो भी ईएसआई नंबर है वो एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये जो भी कैप्चा है अगर बड़ा लग रहा है तो आप इसे रिफ्रेश करके छोटा या फिर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद से फ्रेंड जो नया वाला कैप्चा है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे कि देखिए मैंने 2-3 बार इसको रिफ्रेश किया है तो बिल्कुल छोटा से छोटा पासवर्ड आ चुका है, जो कैप्चा है वो मैंने एंटर कर लिया है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे की साइड आना है और लॉग इन कर देना है। अब फ्रेंड्स यदि आप पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लॉग इन नहीं हुए हैं, तो भैया आपको सबसे पहले लॉग इन करना होता है, साइन अप करना होता है। इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईएसआईसी के आईपी पोर्टल पे सफलतापूर्वक हम लॉगिन हो चुके हैं। अगर आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो भैया पासवर्ड को आप बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके बाद से आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, व्यू प्रिंट ई पहचान कार्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा आपका इम्प्लॉयर कोड देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोबारा से व्यू प्रिंट ई पहचान कार्ड, इस पे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा है कि भैया आपका जो भी ई पहचान कार्ड है ये ओपन होकर के आ रहा है। अब ई पहचान कार्ड में आपका नाम देखने को मिल जाएगा, इंश्योरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स उसके बाद से नीचे की साइड आ जाएंगे, ये सारा इम्प्लॉय का नेम देखने को मिल जाएगा, हस्बैंड नेम जो भी है वो देखने को मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे। आपको थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाना है तो और देखने को मिलेगा कि भैया फैमिली डिटेल्स क्या है आपका और रिलेशन क्या है आपके साथ, इम्प्लॉय के साथ रिलेशन क्या है, डिपेंडेंट फादर है, मदर है, स्पाउस है, आपको देखने को मिलेगा डिपेंडेंट अनमेरिड डॉटर है, तो यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा और साथ में इनका डेट ऑफ बर्थ भी देखने को मिलेगा आपके फैमिली मेंबर्स का, तो सब कुछ यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद से डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहीं पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप में ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए ये डाउनलोड हो भी चुका है। उसके बाद से यदि आपने किसी और का डाउनलोड किया है ना, तो भैया ये शेयर कर सकते हैं उस पर्सन को किसी भी माध्यम से, या फिर आप कंसल्टेंसी चलाते हैं तो भैया प्रिंट आउट करके उनको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखा। अगर पूरा वीडियो देखा ना तो डेफिनेटली अब आपको पता चल पाया होगा कि भैया किस तरीके से आप अपना ई पहचान कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स इस वीडियो को यदि आपने किसी भी पॉइंट को स्किप करके देखा, इसलिए आपको अभी भी डाउट्स बना हुआ है, तो एक बार ये पूरा वीडियो देख लो लास्ट तक, आपके बचे हुए डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, काफी सारे हेल्पफुल वीडियो लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।